बहुत अच्छा अभी आपने देखा है सुना भी। बड़े भैया बरेली से आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा साहित्य उन्होंने आप लोगों को सुनाया है, बहुत बेहतरीन साउंड सर्विस है, 20 रुपए है। ये बिग्गी डीजे आपका बेहतरीन साउंड सर्विस है, आपको मेरी ओर से 20 रुपए है, ये लो हाथ बढ़ा के ले लो। आइए क्योंकि सेटिंग होने के बाद ही टाइम शुरू होगा। और क्या ऐसा ही साउंड सर्विस रहा तो एक तो गले बेस सही है और इनका भी बेस खुला है। और क्या अब लेकिन सीटी बंद हो जाएगी तो बेस खुला है। हेलो, अगर जितना हो सके बढ़ा दो, बढ़ाओ अगर मिक्सर से बढ़ाओ के शायद प्रयास करो हो जाए। हेलो, हेलो हेलो बहुत अच्छा चित्र आप लोग सुन रहे थे, कुछ तो जान आई लेकिन जब जब तक आप में जान आएगी तब तक ये सुबह तक ये देखिए जान चली जाएगी। शायद कार्यक्रम में आनंद इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब तक गाने में मन नहीं लगेगा फिर पब्लिक को आनंद नहीं आएगा। गीत आपका आया हेलो हेलो घड़ी से नहीं बोल रहे आपके गीत के कि हनुमान अटेंशन रहे टेंशन मोल नहीं ले। काफिया सुनिएगा आपका घर का गीत है, टेंशन मोल नहीं लेते। अरे करके बाजर पास दिया को रिंग ये दे देना, ये बात है बेटा। ऐसे आप यह सुधारो, आप बरेली से आए हैं, मुझे विश्वास है कि अच्छा साहित्य गाओगे और यहाँ के जनमानस को ये भी विश्वास है। हर क्या लेकिन अपना गीत बिल्कुल सही गाइए, बहुत बढ़िया गा बजा रहे हैं। पहले काफिया में आप देते कह रहे हैं दामे बड़े बड़ा एक मात्रा है और आखिरी में आप कह रहे हैं देना बड़ा की मात्रा है, सुधार करो। उनकी गलती नहीं बेटा, कहना है कि अपनी चादर से बाहर न जाया करो। क्या बात है, क्या बात है, अपनी चादर से बाहर न जाया करो, शानो शौकत झूठी न दिखाया करो। बेवजह बातों को क्यों बढ़ा देते हो, अगर आग ना बुझा सको, अगर आग न बुझा सको तो क्यों जला देते हो। गाना गाओ बढ़िया गाओ, प्रयास करो, अगर आग बुझा सको तो लगाया ना करो।
सुनिएगा, सुना बेटा। आपने बताया क्या कि कंडीशन जान लेते तो रिंग पहचान लेते तो। देखिए उसके बगल से जवाब निकल रहा है, आपने अंग्रेजी के कुछ शब्द लगाए बहुत से। किस श्री राम के मैं सजदा आराम से क्या बात है बेटा, ये बुढ़ौती के हाथ है बेटा। श्री राम के मस्जिद का सस्पेंस जोर किया, अरे हनुमान ने प्रेजेंटेशन माता को प्रेजेंट किया। भगवान राम का जो मैसेज का संदेश था अंगूठी ले जाकर के माता को बताना कि रिंग रिंग फिंगर मोस्ट ब्यूटीफुल, वो जो अंगूठी है कि फिंगर मोस्ट ब्यूटीफुल है तुम्हारा हुआ हमने नहीं जलाया, ये तो आपकी महिमा है।
श्रीमान जी गीत आपने बहुत अच्छा दिया है, लेकिन कुछ आपके गीत में समस्या है। केवल प्रभु की महिमा नहीं थी, ये तो हनुमान जी की महानता थी जो कि कह दिया, लेकिन विशेषता क्या थी? उसको चलाया किसने? आइए मैं बताता हूं। मानस की चौपाई सिद्ध करती है कि नींबू की चढ़ाई अटारी भाई सभी निशाचर और हर प्रेरित अवसर चले मरुत उनचार और अट्टहास कभी गर्जा, अट्टहास कभी गर्जा तप बड़ी लाज आकाश। केवल भगवान राम की महिमा नहीं थी, उसमें उन्होंने पिताजी की भी महिमा लगी थी, क्योंकि वो 49 पवन वो उनके पिता है। सुने भाई जवाब, निमित बना मैं लेकिन प्रभु निमित बना मैं लेकिन प्रभु नामन में संताप और लंका जली है मेरे साथ। जो लंका जली है उसमें मेरे बाप 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 और जली कैसे? हेलो हेलो जली कैसे? पोछ पे लगाई
गंगा चली है मेरे साथ आपको दिया था क्योंकि जवाब देने से पहले कोई चीटा दसी थी, पहले जवाब फिर उसके बाद आपकी बात फिर जवाब। गीत मैंने दिया था कि सारा सारा दिल लाती माता है और विशेषता थी कि पंचमुखी माता वसन पंचानन जिसमें एक आनन पंचानन उन पांच मुखों में एक मुख पंचानन है। शायद आपको पता ही नहीं होगा कि पंचानन है क्या, बता दो। एक चौपाई है कि संकुल लता पिटप घन कानन खग बहु खग मृग प्रह गज पंचानन। पंचानन का मतलब शेर होता है, उसमें माता जी के पांच मुख है उनमें से एक मुख शेर का है और यही स्थिति भगवान शंकर की है और यही हनुमान जी के पांच मुखों में मुख शेर का लगा हुआ है। गणेश भगवान के पांचों मुख में शेर का मुख लगा हुआ है। श्रीमान जी गीत को समझिए उसके बाद जवाब दीजिए। साउंड सिस्टम की व्यवस्था है, विसंगतियां होती रहेंगी लेकिन जवाब सवाल अच्छा हो। गीत आया कौन सा, ज्यादा कुछ नहीं, केवल मैं अपने गीत की बात बता रहा हूं। बाकी आपने जवाब दिया वो आदरणीय जनमानस जो भी है समझदार है। एक गीत आएगा सुनेगा मेरी ओर से, साथिया नहीं जाना
रावण सोच रहा है क्या? रावण को बहुत बड़ा घमंड हो गया है, गुमान हो गया है, वो सोच रहा है क्या? देखिए उसकी सोच क्या है, सोचता है क्या? किस सोने में सुपरमंद हो, वो सोचता है क्या? किस सोने में सुपरमंद हो और मदिरा में नकलमंद हो, मेरे इस प्रबंध का इतिहास हो। सोने में सुगंध हो और मदिरा में न गंध हो, शराब में गंध ना हो, दुर्गंध ना हो, और मेरे इस प्रबंध का इतिहास हो। और खून का रंग सफेद हो, श्वेत रक्त रंग हो, श्वेत हर अंग हो, सागर के जल में भी
Thank you.
एक खंड की सुनिएगा। एक गीत आया, अरे नंद खट बंसी वाले को राजा, गीत आया नंद खट बंसी वाले को राजा, मेरी अखिया तरस नहीं अब तो से निकली और कहां पर आई। ब्रह्म मंडल से भूमंडल पर आए माता गंगा, ब्रह्म मंडल से नभ मंडल में आई, नभ मंडल से भूमंडल में आए। और ब्रह्म मंडल से नभ मंडल में और नभ मंडल से भूमंडल में रही तो गंगा स्वयं भूपर है, स्वयं भूपर है भगवान शंकर के ऊपर, स्वयं भूपर श्री।